अफीम की खेती करना यूं तो कानून की नजर में अपराध है, लेकिन बावजूद इसके ये कारोबार देश के कई इलाकों में फलता फूलता रहा है। ये ताजा मामला हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा के कालीधार इलाके से सामने आया है। पुलिस को कालीधार में 1200 से अधिक अफीम के पौधों की खेती करने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब 1240 अफीम के पौधों को उखाड़ फेंका। पुलिस ने 10 पौधों को सैंपल के तौर पर रखा और बाकी पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। हमें कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि थाना ज्वालामुखी के इलाके में कालीधार करके जगह है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उसने अफीम के पौधे जो हैं वो उगा रखे हैं, तो उस पर पुलिस पार्टी ने रेड किया। अफीम की खेती करने वाले शख्स की पहचान प्रकाश चंद के तौर पर हुई है। प्रकाश चंद की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। ये NDPS एक्ट के तहत ही होता है, जो PM के रेलेवेंट सेक्शंस हैं उन्हीं में हम केस रजिस्टर करते हैं, बट हमारे लिए ये काफी समय के बाद हुआ है तो थोड़ा चिंता का विषय है। सो मे बी आने वाले समय में हम थोड़ी स्पेशल ड्राइव उस इलाके में एक्टिवेट करेंगे, ताकि ऐसे कहीं और भी जो थोड़े रिमोट एरियाज हैं वहाँ कहीं ऐसा ना हो रहा, तो इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव भी हम बहुत जल्दी चलाएंगे। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कहा कि इस इलाके में काफी समय के बाद ऐसा मामला सामने आया है। पुलिस ने यह भी कहा कि गैर कानूनी तरीके से अफीम की खेती करना अपराध है और पुलिस प्रशासन के लिए यह चिंता का विषय है, और हम इन इलाकों में एक स्पेशल ड्राइव जल्द ही कराएंगे ताकि ये पता चल सके कि कहीं और भी इस तरीके के मामले तो नहीं है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।